ये ईगो की लड़ाई है, हर प्रोफेशन अपने आप में महत्वपूर्ण है और ये इनके बीच में आम जनता पिस रही है। विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी बात कही जा रही है। देखिए, ये वकील वर्सेस बार काउंसिल वर्सेस ये दिल्ली पुलिस का झगड़ा नहीं है, वहां के कुछ गलत लोग और यहाँ के कुछ गलत लोग जिन्होंने इस मामले को पैन इंडिया बना दिया है। हमारी देश की जनता का सिर्फ ये कहना, पुलिस के ऊपर से जो अत्याचार हुआ है, अगर लोगों का पुलिस से भरोसा उठ जाएगा तो लोग सड़कों पे पुलिस के साथ जो वकीलों ने किया वो करने लगेंगे, देश का पूरा माहौल खराब हो जाएगा। पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, पुलिस को भी संडे को छुट्टी की जरूरत है, वर्कलोड पुलिस पे भी है। एक तरफ ये दे रहे और अभी तक पुलिस को दोषी बता रहे थे, ये 3 महीने 13 महीने कांग्रेस की हालत। मेरा नाम है प्रदीप भंडारी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो ललकार। आज ललकार में मैं सवाल ये उठा रहा हूँ कि भाई महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। महाराष्ट्र चुनाव जब हो रहे थे हर तरफ एक बात थी कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और महाराष्ट्र की जनता जो है उसको एक मजबूत सरकार देखने का मौका मिलेगा, पर आज मुख्यमंत्री पोस्ट पे शिवसेना अड़ सी गई है। भाई अगर पहले से ही आप मुख्यमंत्री चाहते थे तो आप प्री पोल में कहते कि हम तभी लड़ेंगे जब हमारा मुख्यमंत्री 2.5 साल का होगा, तब तो एक भी रैली में नहीं कहा कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री चाहिए। तो आज सत्ता की भूख में क्या जनता महाराष्ट्र की पिस रही है, और अगर महाराष्ट्र की जनता पिस रही है तो क्या देश की जनता इस पे चुप रह सकती है? बिल्कुल नहीं। और इसी चीज पे होने वाली आज की फायरी ललकार। एक मिनट की ग्राउंड रिपोर्ट आज देखिए और तुरंत वापस आते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा। आप सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास आप बोलते हो कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, सरकार हमारी बनी, तो आप राज्यपाल से मिलकर खाली हाथ बेरंग क्यों लौटे? साथ मिलकर चुनाव लड़े, साथ मिलकर चुनाव प्रचार किया, साथ मिलकर वादे किए, अब यही साथी सत्ता पाने के लिए लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब शिवसेना के विधायक होटल में रखे गए हैं ताकि पार्टी में टूट फूट ना हो सके, और उधर बीजेपी गवर्नर से मिलकर बातचीत कर रही है। बहुमत किसी के पास नहीं है, लेकिन जिस गठबंधन के बिना पर बीजेपी शिवसेना ने चुनाव लड़ा वही गठबंधन कभी टूटता दिखता है तो कभी जुड़ता। एक दूसरे से अलग न होने की चाह में भी कैसे लड़ा जाता है, बीजेपी और शिवसेना की सियासी जंग इसका उदाहरण बन गई है। शिवसेना अड़ी है 50-50 फॉर्मूले पर और बीजेपी अड़ी है इस बात पर कि वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई है और मुख्यमंत्री पद उसका है, जंग जारी है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब आगे क्या करना है इसकी रणनीति तय करेगा। अभी चुनाव से पहले एक दूसरे से गलबहिया करने वाले बीजेपी और शिवसेना चुनावी नतीजों के बाद अपने अपने पाले से गुर्रा रहे। सीएम पद का पेच ऐसा फंसा है कि ना बीजेपी तैयार है ना शिवसेना ने हार मानी है। आप सबसे बड़ी पार्टी है, आपके पास आप बोलते हो कि हमारा मुख्यमंत्री होगा, सरकार हमारी बनेगी, तो आप राज्यपाल से मिलकर खाली हाथ बेरंग क्यों लौटे हो? शनिवार तक राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करना ही है। अब सवाल ये है कि कौन सी पार्टी का गठबंधन होगा जो इस खेल में विजेता बनेगा। एक सच्चाई यही है कि महाराष्ट्र की जनता ये पूरा तमाशा देख रही है, न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरा देश देख रहा है कि कुर्सी की चाह के लिए किस हद तक राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे से सियासी चालें चलती हैं। सवाल ये है कि जो पार्टियां चुनाव से पहले लोगों से गठबंधन के नाम पर वोट मांगती रही, अब जब सरकार बनाने की बात आ रही है तो सियासी नौटंकी क्यों चल रही है? क्या ये सारी नौटंकी देखने वाली जनता ये नहीं समझ पाई होगी कि कुर्सी पाने के लिए हमेशा की तरह इस बार भी उनका सिर्फ इस्तेमाल किया गया? आज ललकार में हम उठा रहे हैं यही सवाल। चलिए शुरू करते हैं ललकार।
तो आज ललकार में सवाल मैं यही उठा रहा हूं और पूछ रहा हूं यहां पे ललकार में कि जब सियासत की बात हो रही है, ये सियासत नौटंकी कब तक चलेगी, महाराष्ट्र की जनता कब तक पिसती रहेगी, अगर एक दूसरे से इतनी एलर्जी थी तो गठबंधन क्यों किया, ये सवाल आज उठा रहा हूं। और क्या ये कुमारस्वामी मॉडल नहीं दिख रहा है? आज यहां पे थोड़ी सी बारिश होने के कारण कीचड़ है, पर कीचड़ में ही दंगल होता है और कीचड़ के अंदर ही ललकार रखी जाती है, तो आज इसीलिए कीचड़ के बीच में ललकार होगी। मेरे साथ कम ऑन इंडिया बैंड, कीचड़ के बीच में कौन सा सॉन्ग लेके आए? राजनीति राजनीति कैसी है ये राजनीति, आप विधि पूछो जनता से पूछो आप विधि। राजनीति राजनीति कैसी है ये राजनीति, आप विधि पूछो जनता से पूछो आप विधि। कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता किसके हाथों में, कितनी सच्चाई है नेताजी की बातों में। कुर्सी की लड़ाई है, सत्ता किसके हाथों में, कितनी सच्चाई है नेताजी की बातों में। राजनीति राजनीति कैसी है ये राजनीति, राजनीति पूछो जनता से पूछो आप भी। राजनीति राजनीति कैसी है ये राजनीति, आप भी पूछो जनता से पूछो आप भी। जनता से पूछो, ताली बजाइए कम ऑन इंडिया बैंड के लिए, जोरदार ताली बजाइए। आप भी आज जोर से बताइए। मैं आज टीम वन और टीम टू को इंट्रोड्यूस करने के पहले जनता के पास आना चाहता हूं कि जनता इस चीज पे क्या बोल रही है कि महाराष्ट्र के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर, ये क्यों नहीं बना रहे सरकार? ये पहले नहीं सोचना था उनको, इनको पहले सोचना था ये सब बाद में क्यों उठा रहे पॉइंट, बाद बार क्यों उठा रहे बाद में पॉइंट। आप क्या कहना चाहेंगे सर इसमें, आपको क्या कहना? नहीं नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये बस सत्ता की राजनीति है, अपने मुख्यमंत्री बनने की राजनीति, दबाव की राजनीति है, दबाव की राजनीति है और सत्ता की राजनीति है। आप बताइए क्या कहेंगे आप? सर राजनीति जो है वो शतरंज की तरह होती है, जब तक सामने वाले की गोटियां ना देखे तो डिसाइड नहीं कर सकते, और जो राजनीति वो शतरंज चल रहा है। और जो शिवसेना के लिए कह रहे हैं, शिवसेना ने दशहरे के दिन बोल दिया था कि अगला मुख्यमंत्री शिवसेना। अच्छा तो राजनीति शतरंज चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यह सरकार जो है शिवसेना और बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि शिवसेना वो गलती नहीं करना चाहेगा जो कुमार स्वामी या नीतीश कुमार कर। आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? कुछ कहेंगे आप? शर्मा रहे आप? कोई बात नहीं, चलिए डिबेट शुरू होगी। आप रुक जाइए, आप कॉमन मैन एज अ गेस्ट, मैं पैनल को इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं राहुल लाल पॉलिटिकल एनालिस्ट वर्सेस ए के सिंह जी द एक्सट्रीमली टैलेंटेड पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एनालिस्ट सत्ता विरोधी हमारे साथ दुए, संदीप जी जुड़ रहे हैं, संदीप जी द यंग एंड फायरी संदीप जी, अमलेंदु जी जिन्होंने बोला है कि आज वो एक फ्रंट फुट पे खेलने वाले हैं, द मैन एस के दत्ता जब बोलना शुरू करते हैं तो कोई और पैनल में बोलना कम रुक जाता है, यहाँ पे डीके गिरी आने वाले हैं द मैन विद द गोल्डन हैट रिसर्च कर रहे हैं, और हमारे साथ द मैन वन एंड ओनली हेयर कट करके आए हैं आज स्पेशली अवधेश जी, जुड़ने के धन्यवाद, सीनियर जर्नलिस्ट है जुड़ने के धन्यवाद, कॉमन मैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका क्या नाम है? हैदर अली। हैदर अली जी जुड़ रहे हैं, और यहाँ पे और कोई कॉमन मैन हैदर जी को काउंटर करेगा? कौन यहाँ से हैदर जी को डायरेक्टली लेगा हेड ऑन? कोई आप लेंगे, ठीक है चलिए। राहुल लाल क्या कहना चाहेंगे, चल क्या रहे महाराष्ट्र में? ये बिल्कुल सत्ता की राजनीति है और भाग सेकंड, ये बॉक्सिंग राउंड में राहुल लाल रहेंगे, और हमारे साथ राहुल लाल के साथ वेरी टैलेंटेड दस्ता जी रहेंगे बॉक्सिंग राउंड के अंदर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लोकतंत्र में जो है कि उसने जो नया रूप दिखाया है, अब तो विपक्षी खेमे के लोग अब तक उनके चपेट में आते थे, अब तो शिवसेना को भी अपने विधायकों को छुपाना पड़ रहा है, तो वो अपने सहयोगी भी डर गए हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की ये स्थिति बनी हुई है, ये खतरनाक सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, और अपने सहयोगियों को जो समुचित सम्मान और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला है। 50-50 भाई मां, बिल्कुल भाई, शिवसेना अपने एमएलए को घबरा अंदर मतोश्री के अंदर क्या चल रहा है ये कि जी? ये एक घर में शादी हो रही थी बड़े भाई की, और इलेक्शन के बाद जब रिजल्ट आया तो सीएम रूपी कुर्सी का दुल्हन का मुंह देखने घर वाले गए, तो छोटा भाई बोला भाई पहले मेरी शादी करा दो, उसकी नियत में खोट आ गया। यही चल रहा है अब, बैंड बाजा नगाड़े वाले कांग्रेस और एनसीपी सोच रहे हैं भाई बुकिंग तो हुई है, किसके बारात में नाचे पहले ये तय हो जाए, दूल्हा कौन बनेगा फिर उसी तरफ से बजाएंगे। के जी ने क्या एनालॉजी दी है कौशिक जी, उन्होंने तो पूरा आर्ग्यूमेंट ही चेंज कर दिया। देश की जनता समझ रही है कि सत्ता के लिए इन पार्टियों ने अपने चरित्र को कैसे दिखाया है। एक वो पार्टी जो बार बार झोला उठाकर लेके चल देने की बात करते हैं उनको भी लोग देख रहे हैं, और एक दूसरी पार्टी जो अपने आप को शेर समझते थे वो अपने विधायकों को बंद कर रहे हैं होटलों में, दोनों का चरित्र देखा जा रहा है। इन लोगों ने पूरे महाराष्ट्र को बंधक बना के रखा है, पूरे महाराष्ट्र को टाइम है, पूरे महाराष्ट्र को आपने बंधक बनाया, आपके ऊपर डायरेक्ट कोर पे सवाल हो रहा है। संदीप जी क्या चल रहा है, क्या नजारा है, क्या चल रहा है? कोई मुझे लग रहा था राजनीतिक पिक्चर तो नहीं देख रहा हूं मैं, क्या जा रहा है देश की जनता के सामने मैसेज?
नहीं देखिए कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो जनता ने मैंडेट दिया है वो देवेंद्र फडणवीस जी की लीडरशिप में दिया है। शिवसेना को अगर इतनी ही उत्सुकता थी अपना सीएम बनाने के लिए तो क्यों 50-50 के जब आंकड़े पे अड़ी हुई थी तब हट जाती बाहर, क्यों कहीं ना कहीं उन्होंने समझौते में आके कहा कि नहीं हम झुक के समझौता करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी उनके साथ समझौता सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि गठबंधन धन निभा रही थी और जनता। अमलेंदु जी आप क्या कहना चाहेंगे, पहले राउंड में सबको मौका दे रहा हूं, आज कठोर सवाल होने वाले हैं, बोलिए अमलेंदु जी। देखिए ये जो हिंदुओं को एक करने की बात करते थे वो एक मुख्यमंत्री नहीं चुन पा रहे हैं, दोनों हिंदुओं को एक करने वाले। आप महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बना देंगे, तीन तीन बार मायावती को मुख्यमंत्री बना देंगे, नीतीश कुमार को 15 साल तक मुख्यमंत्री बना के रखेंगे, नवीन पटनायक को मुख्यमंत्री बना देंगे, लेकिन एक हिंदू का बेटा जो है आदित्य ठाकरे जिसकी साफ छवि है उसको हम आर्ग्यूमेंट दिया। ये तो आज आर्ग्यूमेंट कोर पे जाने वाला है, एकेजी डिबेट बड़ी मस्त होगी। दत्ता जी क्या कह रहे हैं, क्या है आपका काउंटर? तरस आता है बाम फ्रंट पे, लाल पे, जब हिंदुओं की बात करते हैं बाम फ्रंट, इनको तो केवल हरा ही हरा दिखाई देता है, कुछ और नहीं दिखा देता है। समुद्र मंथन के बाद अमृत निकलती है, ये मंथन हो रहा है, मंथन के बाद अमृत निकलेगी। हॉर्स ट्रेडिंग की सवाल कहाँ है, जब हॉर्स ही देवेंद्र फडणवीस है तो ट्रेडिंग की कोई आवश्यकता। बात बोली है, आज तो डिबेट होने वाली है, बहुत अच्छी। फर्स्ट राउंड का एंड करने का इंतजार कर रहा हूँ अवधेश जी, आज आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा। नहीं कॉम्पिटिशन प्रतिदिन मिलता है, मुझे आश्चर्य है हमारे मित्र लोग कैसे कुतर्क दे रहे हैं। एक पार्टी जो अपनी अनैतिक अविवेकी और अपरिपक्व जिद के कारण सरकार गठित नहीं होने दे रही है, राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति हो गई है, पूरे चुनाव प्रचार में मंचों से भाषण दिया गया देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद ये कहना और अपने विधायकों को लेकर चला जाना, ये एक जानबूझ के क्रिएट किया जा रहा है। टाइम अप, आपके पास 10 सेकंड, क्या बोलेंगे आप? ये लोग 2.5-2.5 साल की राजनीति का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और ये सोचेंगे 2.5 साल के बाद हम अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे, इलेक्शन दोबारा करा देंगे। ओके, तो ये गेम अब मैं आऊंगा इनके पास, शुरू होने वाला, जनता क्या कहना चाहती है, अभी तक के ओपनिंग राउंड में क्या कहना चाहते हैं, आपके पास आऊंगा। सर आप क्या कहेंगे? सर मैं तो ये कह रहा हूँ और मेरा मन मान रहा है कि महाराष्ट्र में ना आप कह रहे थे 50-50 का मतलब ही है 2.5-2.5 साल के लेकर है, लेकिन अब जो बन रहा है एनसीपी और शिवसेना मिलके आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे और कांग्रेस बाहर से सपोर्ट रहेगी। बीजेपी को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए था, उन्होंने कह दिया पहले एक बार बन गया, उनने पहले ही मुड़ासा बांध दिया कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बड़ा दिल दिखाना चाहिए था। एक और लूंगा आपके पास, बोलिए सर, बोलिए। ये शिवसेना आदित्य ठाकरे को इसलिए पेश करना चाहती है कि उसको एक नेता के रूप में प्रस्तुत करेगी, आगे फ्यूचर में एक शिवसेना का नेता खड़ा करना चाहती है, करना चाहिए। अच्छा एक पोल लेना चाहूंगा, किसको लगता है कि बीजेपी सरकार बनाएगी इस महाराष्ट्र में, हाथ उठाइए, एक बार वाइड एंगल दिखाइए, कह रहे किसको लगता है कि शिवसेना जो है वो सरकार बनाएगी बिना बीजेपी के, हाथ उठा के दिखाइए। कम लोग किसको लग रहा है बीजेपी और शिवसेना सरकार बनाएगी, एक बार हाथ उठा के दिखाइए। 100% ज्यादा लोग यही कह रहे हैं, आप यही कह रहे हैं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए आने वाली जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो लोग सपना देख रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगेगा उनका सपना टूटने वाला अभी भी शुरू होगी। आप उठिए दत्ता जी और अमलेंदु जी, आप मुझे बताइए, दत्ता जी अवधेश जी आप भी बीच में आइएगा, दत्ता जी अगर इतनी प्रॉब्लम थी शिवसेना के साथ में और शिवसेना को आपके साथ में, आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, इतनी अगर इनके पास एलर्जी थी, इन लोगों ने कैंडिडेट भी फील्ड किए थे एक दूसरे का वोट काटने में, तो क्यों किया गठबंधन, क्यों किया जनता से छलावा? आपने जनता से छलावा किया प्री पोल अलायंस करने के लिए, जब शिवसेना की मंशा थी कि बीजेपी की सीट कम आए जिससे कि उसका मुख्यमंत्री बने, और आपकी मंशा थी कि आप 140 के करीब आए, शिवसेना की सीटें कम हो और आप कहीं मुख्यमंत्री बने, आज आपने महाराष्ट्र की जनता से ऐसा छलावा क्यों किया अमलेंदु जी? देखिए ये लोग शुरू से ही छल कर रहे थे और इनकी जो है आदत है, ये राम लक्ष्मण का प्यार है, ऐसा प्यार है, ऐसा है, ये राम लक्ष्मण है कि राम रावण है? नहीं, ये यहाँ राजनीति ना हो तो महाराष्ट्र की अपमान है, ये महाराष्ट्र है, आपको धक्के लेके बाहर करेगा महाराष्ट्र। चपा चपा भाजपा आप तो कहीं हो नहीं, लाल में भैया लग गया है, लाल में हल्दी हमने, नहीं आपकी इतनी हैसियत देख रहे हैं, ललित देख रहे हैं, आपकी हैसियत देख रहे ना, अकेले चल रहे, आपकी हैसियत नहीं, आपकी क्या हैसियत है महाराष्ट्र में, एक भी जीत नहीं पाए, एक भी सीट जीत नहीं पाए, बेटा आप कह नहीं बताएंगे आप क्या हिंदू है, नहीं आप कहनी बताएंगे क्या, बन कीजिए शकून वाला राजनीति बन कीजिए, ये शकून पॉलिटिक्स है आप लोगों का, उसके सिवा कुछ नहीं, हिंदू विरोधी है, हिंदू विरोधी पे लेना चाहूंगा आप, सर आप मुझे बताइए, बुरा मत।
मानिएगा, मुझे पता था अवधेश जी ये चीज होने वाली है, पर आज शिवसेना एनसीपी से बात कर रही है और आज जो आप हैं, एक जमाना हुआ करा था महाराष्ट्र के अंदर जब बीजेपी जूनियर पार्टनर हुआ करती थी, तब उस वक्त की स्थिति से शिवसेना उसका अलायंस पार्टनर है। क्या आज आप दोनों के ईगो बैटल के अंदर संदीप जी पिसेगी तो महाराष्ट्र की जनता पिसेगी? कौशिक जी जवाब दीजिए। अवधेश जी कितना दुख की बात है, 15 दिन हो गए और एक जमाना था जब आप बोलते थे कुमारस्वामी मॉडल कांग्रेस सरकार नहीं बना पा रही, आज तो आप भी सरकार नहीं बना पा रहे, क्या जाएगा जनता के सामने मैसेज? कुमारस्वामी मॉडल की समस्या ये थी कि कांग्रेस और जनता दल इसने अलग अलग लड़ा था। देखिए अगर शिवसेना आत्महत्या करने को तैयार है तो आप नहीं रोक सकते। आप बताइए कि शिवसेना यदि झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है शिवसेना किसी सभा में नहीं, किसी सभा में कहीं भी क्या आप बोलिए सरकार नहीं बनाएंगे, आप सरकार भी बनाएंगे विरुद्ध काम किया है। इतना बेशरम काल तक क्या है? 50-50 क्या होता है बताइए? 50-50 का मतलब आपका शिवसेना का विश्लेषण? इतना बेशरम कांग्रेस पार्टी, राजनीति का अति स्वार्थ कांग्रेस पार्टी लड़ाई में कहा इसमें कांग्रेस ने क्या कर लिया? ये तो आप दोनों लड़ के गोद में बैठे कहा तक जाइएगा? अरे चाल चाल चलन चंद्र वाली पार्टी का ये बुरा हालत कैसे हो गया? बेचाल की तरह बैठ जाएंगे। ओ माय गॉड, कांग्रेस पार्टी का इसमें क्या दोष है मुझे आप बताइए? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पीछे से इधर आइए, आप मुझे एक चीज बताइए क्या कहेंगे? मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आदित्य ठाकरे ने कहा है कि चौटाला जैसा बाप मेरा जेल में नहीं है, मैं पानी पिला दूंगा। आदित्य ठाकरे ने कहा एके जी चौटाला जैसे मेरे पिता जेल में नहीं है, मैं पानी पिला दूंगा। एके जी एक चीज तो सुनिए आप मुझे, क्या नहीं आप बोलिए नहीं क्या? हाँ, इनको बता दीजिए अगस्त ऋषि भी हुए हैं, समुद्र पी के निकाल दिया है। हाँ तो आप उसकी चिंता मत करिए, पानी पिला देंगे तो पानी निकालने का भी ये कुतर्क है। देखिए यहाँ पे आप तो आपने जेजेपी के साथ आपने आराम से गठबंधन कर लिया और वहाँ पे शिवसेना के साथ भी दिक्कत हो रहा है। 50-50 का पुराना समझौता था। नहीं मैं मानता हूँ शिवसेना होशियार है, वो कांग्रेस की गलती नहीं दोहराना चाहती है। राहुल गांधी आपको नहीं लग रहा कि अगर आपकी सत्ता में नहीं आएंगे, अगर आपको लग रहा है कि शिवसेना गलती करने वाली है तो आज आप बोलिए कि हम शिवसेना के बगैर सरकार नहीं बनाएंगे और शिवसेना अगर मुख्यमंत्री नहीं चाह रही तो आप दोनों में सरकार तो बन नहीं रही, तो क्या चल क्या रही है? क्या MLA स्पोच होने वाले? जब कोई नट जाएगा रूड हो जाएगा तो सारे ऑप्शन ओपन है, केवल शिवसेना के लिए ओपन थोड़ी है, बीजेपी के लिए। क्या कांग्रेस किसके साथ करेंगे, किसके साथ? ये तो बीजेपी अभी अपना मुंह नहीं खोल रही है, आदर कर रही है महागठबंधन धर्म का। आप राष्ट्रपति शासन की धमकी क्यों दे रही है बीजेपी? राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए चुनाव हुए थे। संवैधानिक तरीका है वो, संवैधानिक तरीका है। तरीका ये है कि सबसे बड़ी पार्टी को पहले बुलाया जाएगा। बनाइए ना, आप सरकार क्यों नहीं बना पा रहे हैं? सरकार ही बनेगी तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा संविधान के हिसाब से, पहले निमंत्रण मिलेगा सबसे बड़ी पार्टी को। बीजेपी को पहले निमंत्रण मिलेगा जो सबसे बड़ी पार्टी है। वो तो आप सबसे बड़ी पार्टी, एके जी का आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही है, पर एके जी और संदीप जी आप एक आ रहे हैं अवधेश जी, सबसे बड़ी सुनिए, जब इन्होंने सरकार बनाने का दावा ही पेश नहीं किया, ये सबसे बड़ी पार्टी कौन सी आई है? शिवसेना ने दावा कर दिया, तब शिवसेना ने अगर दावा करे हिंदूवादी के नाम पे, क्या हम राहुल गांधी को पीएम बनवा दें? जो काबुल होगा वही दुखी। मैं संदीप जी को आगे लेना चाहूंगा, एक सेकंड। राहुल लाल मैं संदीप जी को लेना चाहूंगा। संदीप जी को जनता यहाँ पे बोलना चाहती है, संदीप जी के पास आने वाला हूँ। बोलिए सर, बोलिए। जो राम का नहीं वो मारे किसे काम का नहीं। क्या बात है, आ रहा हूँ आपके पास, बताइए। बोलिए सर, बोलिए। ये यहाँ पर राजनीति हो रही है या महाभारत का युद्ध हो रहा है? महाभारत का युद्ध हो रहा है। रुक जाइए एके जी, नहीं, न्याय के लिए महाभारत का युद्ध करना पड़ेगा तो होगा। सबसे बड़ी पार्टी जो आई है संविधान के हिसाब से, आप गलत क्वेश्चन मत उठाइए। महाभारत का युद्ध न्याय के लिए हुआ था, 5 गांव नहीं दिए थे, उसने बोला सुई के बराबर भी नहीं दूंगा, तो होगा संविधान के हिसाब से होगा। सबसे बड़ी जो पार्टी है पहले उसको न्योता मिलेगा, उसको चांस मिलेगा। 5 गांव मिल गए तो क्या होगा? बीजेपी में जो आगा वो दूसरा धुरा हो जाएगा क्या?
इधर जनता से नहीं, मेरे को सवाल अवधेश जी और संदीप जी आप आ जाइए। बहुत बड़ी बात बोली है आज, बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने कि न्याय की लड़ाई होगी। नहीं नहीं, अमलेंदु जी इसी पे लड़ाई तो होगी। अब ये न्याय, न्याय की जो लड़ाई है ये न्याय क्या है? न्याय मतलब ये है कि जनता के मैंडेट को रिस्पेक्ट करना, और न्याय का मतलब ये है कि एक दूसरे की सीटें नहीं काटना। और अगर न्याय की बात की जा रही है तो आप मुझे बताइए जनता का मैंडेट ये है। मैं आ रहा हूँ बता रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, जनता का मैंडेट ये है। नहीं नहीं, जनता का मैंडेट ये है, जनता का मैंडेट ये है कि बीजेपी को मिली तो राष्ट्रपति, सबसे बड़ी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं है। गवर्नमेंट की सिचुएशन, राष्ट्रपति शासन लगाए या सबसे बड़ी पार्टी को पहले मौका दे। अब इसी चीज, नहीं नहीं मैं इस पर डिसएग्री करता हूँ। मैं संदीप जी को आने दीजिए। अवधेश जी आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछूंगा। कौशिक जी आप संदीप जी को हेड ऑन लेंगे, दत्ता जी आपको राहुल जी को हेड ऑन लेंगे, और अमरेंदु जी आप रेडी रहिए दत्ता जी को। मेरे सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल तो सुन लीजिए, फिर जाओ। एक सेकंड, आप खुश हो जाएंगे सवाल से, आप बहुत खुश हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ आप खुश रहें, दुखी ना रहें। मुझे बताइए कि सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने की अगर बात है तो 8 तारीख कल है, सबसे बड़ी पार्टी के पास अगर सीटें होती तो 4 या 5 तारीख तक अभी तक चले जाती। सबसे बड़ी पार्टी के पास सीटें नहीं है तो ये लॉजिक तो अप्लाई होता नहीं। अब मुझे आप बताइए चीज कि सर आप मुझे बताइए मैंडेट क्या है इन्होंने? बहुत मैंडेट ये है कि बीजेपी ने बहुमत नहीं क्रॉस की, उसको कोई ना कोई पार्टी का अलायंस चाहिए या किसी पार्टी को तोड़ना पड़ेगा, तब कैसे बनेगी सरकार? कैसे बनेगी सरकार? मैं एक कैसे बनेगी मेजोरिटी में, कैसे बनेगी मेजोरिटी? प्रदीप जी देखिए, दो भाइयों का झगड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि पड़ोसी फायदा उठाने की कोशिश करें। भाई क्यों नहीं साथ में आ रहे? हमें सीमा के अंदर अपना झगड़ा सुलझाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। ये दो भाइयों का झगड़ा है और हम सरकार बनाएंगे। हम पड़ोसी लोगों का फायदा नहीं उठाने देंगे। आपने कम्युनिकेशन गैप रखा हुआ है, गलत सूचनाएं दे रहे और आपका सरकार बना रहे हैं। फायदा उठा के आप हरियाणा में सरकार बना के दिखा देते, नहीं आप तो ताल ठोक रहे थे हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे। क्या हुआ समाचार दे रहे हैं आप? क्यों आपके बयान आ रहे, खुशखबरी आने वाली है और संजय राउत सरकार कोई सरकार बनाने वाली। बहुत अच्छी चीज, मैं कह रहा हूँ दो भाई हैं, आ रहा हूँ सत्ता जी आपको हेडऑल लेना, अमलेंदु जी को सिर्फ आप ही टैकल कर सकते। मेरे को उसके पहले अवधेश जी से पूछना है, एज अ सीनियर जर्नलिस्ट अवधेश जी, आपने बोला संदीप जी ने बहुत अच्छी फ्रंट फुट पे बैटिंग की, राहुल लाल ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी, पर अवधेश जी सच्चाई ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि दो भाइयों के बीच में लड़ाई है तो मेरा निवेदन है कि परिवार जो जनता है वो क्यों सफर कर रहा है? भाई 15 दिन से जनता कहां जा रहा है उसको पता नहीं कि गवर्नमेंस कहां है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दो भाई 15 दिन से अपने झगड़े को क्यों नहीं सुलझा पा रहे? एक भाई तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्यों अड़ा हुआ है भैया 2.5 साल मुख्यमंत्री। अगर उनको मुख्यमंत्री शिवसेना को बनना था अमलेंदु जी, तो पहले एक भी रैली में क्यों नहीं कहा कि मैं चाहता हूं कि आदित्य मुख्यमंत्री बने? और आप मुझे बताइए अगर शिवसेना से बीजेपी को इतनी चिढ़ती तो फिर क्यों उनके साथ अलायंस किया? वो तो खुद ही अगर ज्यादा सीट पे लड़ते तो सीट निकालते। ये गलत हो रहा है, जनता के मैंडेट का अपमान हो रहा है। अपमान हो रहा है, जनता के साथ अन्याय, लेकिन शिवसेना के साथ जाने का निर्णय आपने स्वयं सर्वे किया है, आपको मालूम है कि नेताओं का था। भारतीय जनता पार्टी के लोग शिवसेना से गठबंधन नहीं चाहते थे, लेकिन अब सवाल यह है कि गठबंधन को बहुमत मिला है और शिवसेना अगर प्रदेश में, इससे बड़ी अनैतिक बात क्या होगी कि जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा है वो अपने विधायकों को होटलों में बंद कर? नहीं, होटल में बंद करना, देखिए होटल में बंद करना ये भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है। 56 विधायक का पोचिंग नहीं हो सकता है, कोई पोचिंग नहीं हो रही है, कोई शिकार नहीं हो रही है, ये केवल आरोप है, शिकार होने का सवाल ही नहीं है। 56 विधायकों को अलग रखना एक प्रकार से शिवसेना जानबूझकर ये दिखाना चाह रही है कि हमारी, फिर ऐसी पार्टी के साथ क्यों रहा जाए जो आपको हर हफ्ते एक जी दत्ता जी और अमलेंदु जी, मेरा सवाल है आपके, पहले जनता के पास आना चाहूंगा अंकल, क्या कहेंगे? 95 में भी ऐसा हुआ था और शिवसेना और बीजेपी मिलके बनाएगी, कांग्रेस का ड्रामा देखा जा रहा है। कांग्रेस का ड्रामा देखा जा रहा है तो चाहता हूं कि क्योंकि मैंडेट यही है कि बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलके आए, मैंडेट तो यही है। पर मेरा सवाल ये है आपसे अमलेंदु जी और दत्ता जी, एके जी आपने न्याय की बात की, एक सेकंड राहुल लाल, एक सेकंड अमलेंदु जी अपने टीम पार्टनर को बोलने दीजिए, और दत्ता जी इन्होंने बात करी न्याय की, इन्होंने बात करी कि मैंडेट की, इन्होंने बात करी कि राजधन की, सुन लीजिए। और विरोधी नरेंद्र मोदी की सभा में उद्धव ठाकरे उपस्थित थे, जहां नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगली सरकार फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा शिवसेना की बनेगी, तो उद्धव ठाकरे ने उस समय विरोध क्यों नहीं किया? बिल्कुल जवाब,
देखिए ये न्याय की लड़ाई है, सारे कौरव मिलके एक अभिमन्यु की हत्या करना चाहते हैं। अभिमन्यु कौन है? अरे आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र 28 साल का युवा जो फर्स्ट टाइम एमएलए है, अगर वो चीफ मिनिस्टर के लिए इतने कॉन्फिडेंट थे तो इसके पहले एक भी लेटर में नहीं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक भी रैली के अंदर क्यों नहीं कहा कि आदित्य जी मुख्यमंत्री बन सकते। अभिमन्यु का उदाहरण दे रहे हैं ना, इनको पता होना चाहिए अभिमन्यु अपने बाप अर्जुन के कंधे पे बैठ के नहीं गया था। अरे देखिए देखिए देखिए, जब 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 फडणवीस बने थे पहली बार मुख्यमंत्री, वो भी पहली बार जब ना भाजपा में कर्नाटका की तरह सांप नेवला नहीं है, सरकार तो भगवा की ही बनेगी, पिज्जा की सरकार नहीं बनेगी। आप सरकार बनाने जा ही नहीं रहे, सबसे दुखद चीज ये है कि सरकार नहीं बन रही। अंकित है शरद पवार के कंधे पे बैठे थे ना, शरद पवार ने ठेंगा दिखा दिया कांग्रेस पार्टी, पति शासन के तरफ आप ले जा रहे हैं। आप बेताल बनिया वाली कोई बात नहीं है, आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। कमीनल स्वार्थी के सत्ता के लालच में शिवसेना के साथ नहीं करते, गठबंधन करने के लिए कांग्रेस तैयार है। सेक्युलरिज्म आप आज तक सेकुलरिज्म कोई भाड़ में नहीं जाएगी, कहीं नहीं भाड़ में जाएगा। सच्चाई की बात यह है कि बहुत सही बात बोली है। कौन अंकल, आप एक बार बोल चुके हैं, एक बार कोई नया बच्चा नया बच्चा बोल। मैं बोलूंगा, देखिए भंडारी जी, शिवसेना का वही हाल है इस समय जो यूपी में बीजेपी और सपा और बीएसपी का हाल था, बस वो आदि ने ठाकरे को क्या बात बोली है कि बताइए। अमलेंदु जी, सपा और बसपा जैसा हाल शिवसेना का होगी, और आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर शिवसेना से इतनी दिक्कत है, अगर वो आत्महत्या कर रही तो ऐसे सुसाइड बॉम्बर को अपने साथ में क्यों रखना जो आत्महत्या कर रही है? तो बोलिए कि हम शिवसेना के साथ नहीं होना चाहते, बोलिए ना। तो कह क्यों नहीं रही भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल निर्णय करना चाहिए। शिवसेना देखिए, शिवसेना की अब हालत सांप और छुछुंदर की है, विपक्षी पार्टियों ने नकार दिया है, वो इतना बुरा मत मानिए। पूछ रहा हूँ, जो भी बीजेपी से हट जाए वो सांप चुचुंदर बन जाता है, तब तक साथ रहता है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सांप चुचुंदर क्यों बोल रहे हैं आप उनको? चुचुंदर इसलिए कि एनसीपी ने कहा कि हम चुचुंदर के साथ सरकार बनाने के लिए तैयार है, मतलब एक व्यक्ति एक महीना सांप चुचुंदर के साथ। आपकी इच्छुक है शिवसेना के साथ नहीं बनाएंगे, बोलिए बोलिए सरकार नहीं बनाएंगे। बोलिया कहा गया शिवसेना आज के डेट में हिपोक्रेसी है, इसी को हिपोक्रेसी कहते हैं। इससे बड़ा हिस्सों कैसे भागे, कुछ भी करने के लिए तैयार है कांग्रेस पार्टी। आप अपने कांग्रेस कैसे आ गई? एक सिलेक्शन नहीं, दत्ता जी एक सिलेक्शन, दत्ता जी इस पूरे इसके अंदर कांग्रेस कहाँ से आ गई? मतलब कांग्रेस क्या, राहुल गांधी की तो बात नहीं करे, वो तो थाईलैंड या बैंकॉक में। कांग्रेस ने पहले दिन ही कहा नहीं, हम तो शिवसेना के साथ जाने के लिए। भूत इनके सर पे चढ़ के नाच रहा है कांग्रेस का भूत। कांग्रेस का हालत बेताल की तरह है, बेताल की तरह। शरद बैठ के सत्ता में आने की कोशिश किया था शरद पवार, किसके साथ सरकार बनाएंगे किसके? अच्छा मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार बनेगी कैसे? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई सरकार बनेगी कैसे। संदीप जी, सरकार बनने की तीन ही नहीं, सरकार तीन ही तरीके से बन सकती है। आ रहा एक सेकंड, बोली एक बात बताओ, ये बहुत ज्यादा उड़ते रहते हैं, ये आपके बहुत ज्यादा उछलते रहते हैं। सवाल पूछना है, उछलने के लिए मना करो। अरे आप उछल सकते हो तो वो भी उछल सकते हैं, मैं भी उछल सकता हूँ, सब उछलेंगे। रुकिए, नहीं मेरा संदीप जी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और अमलेंदु जी डरिए मत, संदीप जी अगर आप जो आज फ्रंटफुट पे बैठेंगे बगैर उछाल के ललकार हो ही नहीं सकते। क्या बात है, ललकार में उछलना पड़ेगा। रुकिए, आपको भी ऐसा सुनिए, नहीं संदीप जी सवाल से मत घबराइए। अमलेंदु जी आप क्यों घबरा रहे संदीप जी से डिबेट करने के? सामने आइए एक से नहीं, दत्ता जी रुक जाइए एक से। संदीप जी को मैं पूछूंगा, आप क्यों नहीं, संदीप जी से मत घबराइए, युवा जोश आपके जैसे हो। मुझे बताइए संदीप जी, आप बताइए सरकार बनेगी कैसे? जब सरकार बनने की तीन ही चांसेस है, एक कि बीजेपी और शिवसेना साथ में आए जो एक्चुअली मैंडेट होना चाहिए, दूसरा बीजेपी जो है कुछ दूसरे विधायकों को ले और सरकार बने, तीसरा शिवसेना एनसीपी कहीं से दोनों को समर्थन दिया जाए सरकार बने। भाई अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या गवर्नर रूल तो कतई नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, वेस्ट ऑफ जनता का टाइम, और ये नेताओं का ईगो है। सरकार कैसे बनेगी, कौन सा ऑप्शन बनेगा, और अगर शिवसेना के साथ बीजेपी बनेगी तो आप क्या कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो दिखावा था? क्या चाह रहे उद्धव ठाकरे, होम मिनिस्ट्री चाह रहे, एमसी ज्यादा चाह रहे, क्या चाह रहे? लॉबिंग हो क्या रही है जी? मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों जनता का समय वेस्ट किया जा रहा है। एक दिन में जी मैं एक चीज बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये देखना चाह रही थी कि कितने छछूंदर उछल सकते हैं।
नहीं, ये शिवसेना से सुनने कह रहे हैं, शिवसेना से सुनने कह रहे हैं, बनाएगी सरकार, बनाएंगे। अगर 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 शिवसेना छछुंदर है तो अगर कल कल नहीं नहीं अगर 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 शिवसेना छछुंदर है, कांग्रेस और एनसीपी छछुंदर है, शिवसेना छोटा भाई है और हम समय रहते कैसे हो गए कांग्रेस एनसीपी को छछुंदर। देखिए हमें बहुमत जब से करना हम मना लेंगे, अभी समय सीमा तो नहीं निकल गई। बेताल की तरह क्यों कूद रही है, सबसे पुराने एलआई को छछुंदर कर रहे हैं ये लोग, सबसे पुराने एलआई पर हैं। क्या है न्याय धर्म, न्याय धर्म ये लड़ाई करना, न्याय धर्म ये है कि जी अच्छी बात आपने अभिमन्यु की बात कर दी, महाभारत की न्याय की बात कर दी, मुझे बताइए क्या न्याय के अंदर कौन यहाँ पे बोलना चाहेगा, आप क्या संकल्प न्याय के अंदर एके जी और अवधेश जी आप ऐसा होता है ना, नहीं आप मुझे बताइए कौन से ऑप्शन से बनने वाली, क्या शिवसेना जो जिसको अभी संदीप जी ने बोला छछुंदर, क्या छछुंदर के साथ अगर कल बीजेपी ने सरकार बनाई तो क्या ये छछुंदर और भगवा की सरकार होगी। आप शिवसेना को छछुंदर बुला रहे तो उसको छोड़िए और बोलिए कि शिवसेना के मैंडेट का डिसरिस्पेक्ट किया, जनता के पास जाइए, शिवसेना को खत्म करिए। संदीप द्विवेदी जी ने छछुंदर दूसरी पार्टी के लिए बोला था, करेक्ट कर। लड़ाई तो आप दोनों में हो रही है ना, बड़े भाई छोटे भाई की लड़ाई में परिवार समझ। सरकार कैसे बनेगी, सुनिए सरकार बना रहे कैसे, एके जी सरकार बना रहे, सुन लीजिए सरकार कैसे बनेगी। शिवसेना का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ, शिवसेना का चिन्ह है शेर झंडे में, वो अपने सारे शेरों को लेके गई है 5-स्टार होटल में, भूखे हैं आपसे डर के, थोड़ा अब पता नहीं किससे डर गए, जनता से डर गए, इस संविधान से डर गए, सुनिए पहले थोड़ा सा, वो भूखे हैं, शेर को निवाला मिल जाएगा। क्या भूखे मतलब क्या, कुछ मॉनिटरी डीलिंग होने वाली, भूखे मतलब क्या है, भूखे मतलब क्या है, भूखे मतलब क्या है, ये भूखे मतलब क्या है, भूखे मतलब क्या, क्या क्या मतलब है, पद राजनीतिक पद, सीएम की कुर्सी का पद, उनको थोड़ा सा डाल दिया जाएगा, एक समझौता हो जाएगा बन क्या। एक सेकंड, आपने बोला कि उसमें कुछ डाल दिया जाएगा, क्या आप कह रहे हैं कि शिवसेना ऐसा भूखा, कैसी बात कर रहे हैं कि कुछ दे दिया जाएगा। अवधेश जी शॉक हूं मैं, शॉक मतलब ये बेसिक लॉबिंग हो रही है। भूखे का मतलब है राजनीतिक पद, राजा देना चाह रहे हैं किस पद, अच्छा अभी लॉबिंग हो रही है, निगोशिएशन जा रहा है। देखिए मुख्यमंत्री बनाएंगे, आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे, आदित्य ठाकरे को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। शिवसेना के लिए भूखे हैं, बीजेपी के सामने एक ही रास्ता, भूखे हैं डेवलपमेंट के लिए, ये लोग भूखे हैं सत्ता के लिए। आत्महत्या करे बीजेपी या आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाए, हम दो रास्ते आत्महत्या या आदित्य ठाकरे, हम लोग भूखे हैं गवर्नेंस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, सुशासन के लिए, या आत्महत्या करो। मैं भूलिए एक सेकंड दत्ता जी, एक चीज मत भूलिएगा कि जब बीच आप आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आप एक बोले एक चीज आ रहा हूँ दत्ता जी, एक चीज मत भूलिएगा, जब बीजेपी महाराष्ट्र के अंदर नहीं थी तब शिवसेना के साथ में अलायंस करके दोनों साथ में आए, दोनों की आइडियोलॉजी एक, और आप बताइए सर कैसे, अगर ये दोनों साथ में आ रहे तो अभी तक क्यों नहीं आ रहे, हो क्या रहे ये साफ, अगर उसे छछूदर कह रहे तो ये अपने आप साफ हो गई बीजेपी, पहली बात। दूसरी बात ये महाभारत की बात कर रहे हैं अभिमन्यु, कृष्ण भगवान ने क्या अर्जुन को ऐसी चीख चीख के राक्षसों की तरह समझाया था, बोलिए। अच्छा एक सवाल, अब अवधेश जी, अवधेश जी सुन जाइए, अवधेश जी सुनिए मेरी बात, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और अवधेश जी ये सवाल गुगली की जैसे बोल्ड मत हो जाइएगा, सुनिए मेरी बात अवधेश जी, नहीं नहीं अवधेश जी आप मुझे क्लियर कर दीजिए, बीजेपी मुख्यमंत्री पद शेयर नहीं करना चाह रही, शिवसेना मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाह रही, अब अगर ये दोनों एक दूसरी पोजीशन पे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मिडिल ग्राउंड क्या होगा। मिडिल ग्राउंड ये हो सकता है कि एक साल के लिए आदित्य ठाकरे को मौका दे दिया जाए और 3 साल देवेंद्र फडणवीस बने, पर बीजेपी वो मान नहीं रही, तो फिर क्या हम गवर्नर रूल की तरफ जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो शिवसेना इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदार पार्टनर है, क्योंकि शिवसेना को सच में कहना चाहिए था कि हम 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि मैंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देखा था एके जी कि नहीं था, तो ये मुझे खराब लगा। इस समय देखिए, इस समय महाराष्ट्र निश्चित रूप से जनता की आवाज बोल रहा है कि गवर्नर रूल की ओर जा रहा है, और यही उपाय है भारतीय आदित्य ठाकरे सीएम बनेंगे कल दावा में। एक सेकंड, अगर आदित्य एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड नहीं मुझे बहुत एक से मैं बता रहा हूँ परेशानी, नहीं मेरा निजी परेशानी कुछ नहीं है, मेरा सवाल है, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ जनता से। अब अगर आदित्य एक से सुन सुनिए सर, नहीं हमारे राहुल जी की परेशानी है, इनकी परेशानी है दूसरे की समस्या लगे। एक सेकंड अगर बताइए, नहीं मेरे को बहुत मैं विजुअलाइज नहीं कर रहा हूँ, मतलब शिवसेना एनसीपी कांग्रेस, शिवसेना हिंदुत्व पार्टी, एनसीपी सेक्युलर, कांग्रेस जो है वो अलग ही लेवल पे चल रही है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये जो गठबंधन हो गया, ये तो ऐसे ही हो गया कि रात और दिन कैसे है, ये कैसे है, तो दीप की ओर कीट और पतंग जलने के लिए जाते हैं,
तो शिवसेना कीट और पतंग बन के कांग्रेस एनसीपी के साथ जल के नष्ट होने के लिए भाजपा अपनी जिम्मेवारी दूसरे दलों पे नहीं डाल सकती। आप सबसे बड़े दल के रूप में आप अपने बड़े भाई की भूमिका में आप कम्युनिकेशन गैप क्यों रखे? जिम्मेवारी शिवसेना कर रही है तो भाजपा इसमें क्या कर सकती है? कर सकती है। क्या उल्टी बात कर रहे हैं? बोलिए बोलिए बोलिए। पिछली बार गए बीजेपी का सीएम रहा था, अभी अगर शिवसेना का रहता है, छोटे भाई को अगर मौका दिया जाता है तो कौन सी बुरी बात? बताइए नहीं, दे दीजिए ना मौका, दे दीजिए इसी छोटे भाई को मौका दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? प्लीज यार क्या दिक्कत है? एक ही सुनिए, युवाओं को मौका देने की बात समझ सकते? युवा आप है, आप ही को भेज दे, आप मुख्यमंत्री बन जाइए। सबसे युवा आप है, आपको भेज दे। देश संविधान ढंग से बात कर रहे हैं, संविधान और नियम के हिसाब से डिसाइड होगा। एक युवा ने मौका मांगा था राष्ट्रीय बच्चा बन के, वो युवा तो आदित्य ठाकरे को, आदित्य ठाकरे को होती है कांग्रेस पार्टी गेट एनसीपी गिरगेट है, गिरगेट कहना जा रहे पंडित जी बोलिए। देखिए ऐसा है, इस समय बीजेपी हमारी बौखलाई हुई है, उसको कह दो बीजेपी की ज्यादा सीटें आई है, क्यों बौखलाई हुई है, क्यों नहीं बनेगी वो? शिवसेना पे पूरा विश्वास था, उसने भी ठोकर मार दी। भंडारी जी मैं बोलना चाहता हूँ, दत्ता जी की बात को बिना मतलब को मत दर्ज किया, आप पॉइंट और शिवसेना को बोल रहे हैं छुछुंदर वाली हालत, बीजेपी छुछुंदर के बिल में ही तो जगह बनाई है। देखिए पहली चीज मैंने, देखिए छुछुंदर मैंने कांग्रेस और एनसीपी को कहा था, शिवसेना हमारा छोटा भाई है और हमने कहा था समय रहते हम बना लेंगे और सरकार बनाएंगे। जो पार्टी जिसके पीछे पड़ जाते हैं उसकी नैया जरूर डूबती है। आप बोलिए उनके साथ सीट नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे। जयवंत शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए बड़े और बना के दिखाएंगे। एक चीज बताइए, अगर हम सोचे हिस्टोरिकली लॉजिकली देखा जाए नंबर्स के हिसाब से बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए क्योंकि ज्यादा है, पर अगर हिस्टोरिकली देखें तो शिवसेना ने बीजेपी का साथ तब दिया था जब बीजेपी को जरूरत थी, तो क्यों नहीं एक अरेंजमेंट में आ सकता? हिस्टोरिकली नहीं है क्यों? पहले कितने अभी 14 के पहले, 9 के पहले कभी भी सीने पड़े? शिवसेना के पहले जनसंघ वहां लड़ी सीट जीती, बीजेपी लड़ी सीट जीती, ये ज्यादा सीटें हमेशा से शिवसेना की आती, 91 से साथ लड़ रहे हैं, ये तो सोचना ही गलत है। शिवसेना पिछली बार अकेले लड़के देख चुकी है क्या दशा थी, शिवसेना ने एक क्या मानते हैं कि बीजेपी की गलती हुई शिवसेना से गठबंधन करने की? गलती नहीं, महागलती थी। एक बार जी शिवसेना की भाषा वही थी जो राहुल गांधी की होती थी, वो हर हफ्ते तो हेडलाइन देते थे अगेंस्ट। मुझे बताइए क्या, नहीं नहीं आप बोल, मुझे बताइए इससे मैं पूछूंगा। नहीं नहीं एके जी अगर मान लीजिए आप शिवसेना के साथ सरकार भी बन जाती तो आपको ये डर नहीं है कि हर हफ्ते शिवसेना के उद्धव ठाकरे आएंगे और सरकार को इकोनॉमी पे घेरेंगे, किसी पॉइंट पे घेरेंगे और मजाक उड़ाएंगे? क्या आप एक ऐसी पार्टी के साथ अलायंस करना चाहते हो तो सरकार के अंदर रहते हुए ऑपोजिशन का काम करे? क्या आप तैयार है उस चीज के लिए? क्योंकि मैं शिवसेना के पास बेस्ट ऑप्शन है वो बीजेपी से मिलकर बनाए, ये दोनों ठीक है। पिछले 5 साल में वो बिल्कुल विपक्ष के भूमिका में रही है, उसके बाद संजीव कौशिक जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बताइए बोलिए क्या क्या ये बोल रहे हैं कि जरा क्या बात हो गई, क्या हो गई? नहीं नहीं वो यही कह रहे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के लिए छुछुंदर शब्द का इस्तेमाल कर रही है, सांप छुछुंदर बता रही है, ये बोल रही है। जीता जागता उदाहरण है, सांप नेवला का गठबंधन था कर्नाटक, राहुल गांधी कहते थे किसके साथ सरकार बनाएंगे और बी टीम जनता को लूंगा, जनता को लूंगा। बोलिए आप बोल, कांग्रेस पार्टी और एनसीपी दोनों आस्तीन के सांप हैं और ये नागनाथ सांपनाथ की पार्टी। मैं कह रहा हूँ जैसे बीजेपी जोश में आई थी ना, आप तो आप मेरी बात सुनो, जैसे जोश में आई थी ऐसे आराम से बिल्कुल खत्म हो जाए ऐसे, पर उसकी ज्यादा सर जब पटना में परिस्थिति 3 दिन बारिश होया, ना बीजेपी आया ना कोई नेता नहीं। ओके चलिए मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे आपके एक सेकंड नहीं, हमारा विचार ये है जब मध्य प्रदेश में पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बन चुकी है, अगर शिवसेना इस बार बना लेगी तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या? चलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैंडेट ये है, मैं को जाना चाह रहा हूँ, एक मिनट एक सेकंड दीजिए। मेरी राय इसमें यह है कि मैंडेट यह है कि बीजेपी और शिवसेना साथ में मिलकर सरकार बनाए, अगर ये अपने ईगोस को पीछे नहीं रख पाएंगे तो स्टेट सफर करेगा, गवर्नर रूल की तरफ जाना सबसे खराब चीज होगी महाराष्ट्र की जनता के लिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सर, हो गया अपडेट।